बनिए तो पुत्तरे सूर्या सूद ना मिले त्योनु असल भी नहीं चाहिदा। जिंदा बच जाए तो किते लुक छुप जामी, जिंदिया किसी ने तेनु रहन नहीं उधर। कन्ना वे चल चुप करके दिलों ने विच छुप जाइए, सावा दे विच लुक जाइए। चन्ना वे चल 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 मैं क्या जे तोड़े विच मामा मर्द भी जमदिया ने किसे मर्द तहत पड़े सूर्या। वाह रांझिया ज्यादा कमी ते सूर्या नु चप्पे। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। चन्ना सच्ची मुची का आपने प्रीमियर देखा एंड ह्यूज स्टार कास्ट आपने देखी। मॉमर से जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इज दिस फिल्म गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। कोशिश नहीं करनी है, बताएंगे बताएंगे एग्जैक्टली। बहुत अरसे से मैं ये सुन रहा था लोगों से कि पाकिस्तानी फिल्म अच्छी नहीं आ रही या अच्छी नहीं बन रही, कोई स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है पाकिस्तानी फिल्म के। तो टेक्निकल फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म एजाज बाजवा साहब इज द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आल्सो। यार उस बंदे ने बहुत मेहनत की है। फारूक मम्मी, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस फिल्म? मतलब ये मैंने अक्सर पाकिस्तानी फिल्में जब मैं देखता हूँ ना इनके प्रीमियर शोज, तो उसमें एक्टर कहते हैं जी मेरा इसमें बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था, ये बड़ी हटके फिल्म है। बट व्हाट एक्चुअली इज डिफरेंट इन दिस फिल्म? देखें जी, मैं अभी उसी बात पे आ रहा था कि अच्छी फिल्म एक अच्छा प्रोड्यूसर बना सकता है। ओके, अच्छी फिल्म एक अच्छा प्रोड्यूसर बना सकता है। तो एजाज बाजवा साहब को पूरे मार्क्स जाते हैं कि अगर लोगों ने किसी ने कहा एंड दिस इज द फर्स्ट फिल्म जो डी आई हुई है डिजिटल इंटरमीडिएट, तो जिसमें स्पाइडरमैन भी और ये सारी फिल्म जो हॉलीवुड की, इवन मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बॉलीवुड, इवन हॉलीवुड भी जिसपे काम कर रहा है। तो सारा ये जो अभी आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग, इंशाल्लाह ताला यू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन, यू गोना लव इट दैट दिस इज अ पाकिस्तानी फिल्म। आप उस शख्सियत से बात करते हैं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, मोमी ने जिनकी इतनी तारीफें की, तो हमने कहा कि जरूर उनसे फोन पे बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एजाज बाजवा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फारूक आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म कम्प्लीट हो गई और माशाल्लाह ताला अब एग्जिबिट हो रही है। बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं अवाम की, पाकिस्तान सिनेमा की, क्योंकि ये कम बैक फिल्म हो सकती है, प्रूव कर सकती है। आप ये बताइए कि आपको किन कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा इस फिल्म को मुकम्मल करने में और एग्जिबिट करने में, विद द बैकग्राउंड कि आप पहले इससे कोई फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट नहीं कर चुके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने कोई इससे पहले फिल्म, मैं ये कहूंगा कि मैं फिल्मी बंदा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन ये एक चैलेंज के तौर पर मेरे पास आ गई कि इसको हर सूरत में मुकम्मल करना चाहता था और मेरी ये पहली फिल्म थी और मैं पहली नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपने कैरियर में, कि वो आगे के लिए जो मेरे अजायम हैं या जो मेरे मंसूबे हैं या मैं जो सोचता हूँ फिल्म के बारे में, कहीं वो चीज़ें सफर ना कर दें पहली नाकामी की वजह से। और मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया कि नहीं, मैं इसको हर सूरत मुकम्मल करूँगा। फिर इसकी इसको एज ए डायरेक्टर भी मैंने किया, इसका स्क्रीन प्ले भी मैंने खुद लिखा। इसको जो आजकल फारूक साहब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक चल के जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें फुलफिल किए हैं और थैंक गॉड ये आज मुकम्मल हो चुका है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और बड़ा पूरा उम्मीद हूँ अल्लाह ताला की जात से कि वो मेरी मेहनत बिल्कुल रायगा नहीं करेंगे। अच्छा, इन हालात में बरसा जब फिल्में बहुत कम बन रही हैं, आपकी पहली फिल्म है और आप इन हालात में फिल्म, क्या चीज आपको इंस्पायर किया आपको कि आप ये फिल्म बनाएं? देखिए इसमें किसी ने इंस्पायर, मेरा एक विजन है। सारे लोग मुझे कहते थे कि ये बड़ा रिस्की काम है, यहाँ चलती नहीं है, लोग आते नहीं है फिल्म देखने, और मैं यहाँ हमेशा इख्तलाफ करता था इस चीज़ में। मैं कहा यार लोगों को सिनेमा हॉल लाने के लिए पहले अपनी फिल्म को तो बेहतर करो, फिर लोग आएंगे। लोग तो अपना एतमाद जो है वो लूज कर गई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे जात बरादरी पे यहाँ बन रही है, अब लोग नहीं ये चीजें देखना चाहते। तो उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि 17 करोड़ अवाम है, क्या ये इंटरटेनमेंट नहीं चाहते? चाहते बिल्कुल सही जी, हर बंदा एंटरटेनमेंट चाहता है। 7-8 साल हुए प्राइवेट सेक्टर में टीवी को आया और टीवी ने कितनी बड़ी जगह बनाई आप लोगों को चाहिए। आज भी सिल्वर स्क्रीन या सिनेमा जाना सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट, मैं यही समझता हूँ। और फारूक साहब इसी विजन को लेके चला हूँ
कोई इसमें कैलकुलेशंस नहीं, कोई हर चीज नहीं, बस एक मेरी सोच है और एक मेरा आइडिया है कि लोग मेरी पिक्चर देखने आएंगे, मैं उसी के साथ चलो, आप इसको मार्केट भी उसी जो जो आजकल चाहिए इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बाजवा साहब हमारी बेस्ट विशेस हैं मोमर के साथ, आपके साथ पूरी दुआएं हैं पूरी कौम की कि अल्लाह करे कि ये फिल्म जो है पाकिस्तानी रिवाइवल ऑफ सिनेमा के लिए हेल्प करे। मैं सुनिश्चित कहता हूं कि बाजवा साहब ने कुछ सीरियल्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि सक्सेसफुल थी, तो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है उस हवाले से। नहीं इंशाल्लाह फिल्म इनकी पहली है लेकिन सीरियल्स में इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है, हमारी बिल्कुल नेक दुआएं और तमन्नाएं मोमर आपके साथ भी है कि बस हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने बूम पे चली जाए। बिल्कुल थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारी बातें रह गई है, इंशाल्लाह भाभी को नेक्स्ट टाइम लेके आए तो फिर और जरा पर्सनल लाइफ के हवाले और रानिया और उसका एटीट्यूड देखना है मैंने, उसकी वो जरा मैंने नखरे देखने जो है होने चाहिए। आज आप रात को आ रहे हो ना प्रीमियर में? हम बिल्कुल प्रीमियर में आ रहे हैं, आज को प्रीमियर है और रानिया इज गोइंग टू बी देयर। बस ठीक है फिर डन है, फिर तस्वीरें मैं खींच के नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाऊंगी। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड खासतौर पर चन्ना सच्ची मुची जो 16th को इंशाल्लाह रिलीज हो रही है, परसों आज 14th है, आज इसका प्रीमियर है, हम तो देखने जा रहे हैं। होगी जी आप लोग जरूर जाके देखें और इसी दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और ये जितना हफ्ता बच गया है वो भी बहुत अच्छा गुजरे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर नेबर्स। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फारूक हसन और सुंदर जमील को दें इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।